उल्लासनगर महानगर पालिका के तरफ से सभी स्कूलों में बच्चों को मीजन्स और रूबिला नाम की इंजेक्शन लगाई जा रही है। उल्लासनगर में 35,000 बच्चों में से 29,250 बच्चों को इस इंजेक्शन का लाभ मिल चुका है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर रिजवानी, जो उल्लासनगर महानगर पालिका के आरोग्य डिपार्टमेंट के डॉक्टर है, जानकारी लेते हैं। कोई साइड इफेक्ट या ऐसी कोई खबर आपके पास आई है और आप उसके बारे में शहरवासियों को क्या बोलना चाहेंगे? महेश जी, धन्यवाद आपका। मैं आपको बताऊं कि ये जो मीजल्स रूबेला का हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइन से कार्यक्रम शुरू किया है, ये 27 नवंबर से हमने इसका कार्यक्रम शुरू किया है और 1/12 तक जो है हमारे बच्चों का टारगेट 35,000 था, जिसमें से हमें 29,250 बच्चों को कवर किया है। और उल्लासनगर के जितने भी सरकारी हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, हमने ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और वहाँ पे हमारे पास आज तक ऐसी कोई भी घटना का रिपोर्टिंग नहीं हुई है। मगर किसी किसी बच्चे को बुखार हल्का सा या उल्टी हो सकती है। मेरा उसका ये सभी को आह्वान है कि वो बच्चे को अपने को खाली पेट पे स्कूल में ना भेजें, नाश्ता वास्ता करवा के भेजें। अगर किसी बच्चे को बुखार आता है तो उसको सादा पैरासीटामोल आप दे सकते हैं और कोई भी एंटीबायोटिक या दूसरी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं उल्लासनगर के सभी धर्म वालों लोगों को, कौन सी भी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, उनको सबको रिक्वेस्ट है कि ये जो मीजल्स रूबेला के इंजेक्शन है, इसका फ़ायदा लीजिए और अपने बच्चों को ये इंजेक्शन स्कूल में लगवाइए। धन्यवाद डॉक्टर रिजवानी जी।